अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटी सिर्फ क्राइम नहीं है, यह एक बिजनेस का बड़ा हब है। कुछ लोगों ने इसे निजी जायदाद की तरह चलाया, कुछ लोगों ने इसे कॉरपोरेट वर्ल्ड की तरह एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड लेवल पर चलाया। इसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल, लाखों लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि नागपाड़ा की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में खेलने वाला दाऊद इब्राहिम इतना बड़ा डॉन कैसे बना। इंडियाज बिगेस्ट क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम, इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड दाऊद इब्राहिम, ऐसे तो न जाने कितने टैग उसके किरदार पर लगे हैं। मुंबई के डोंगरी और नागपाड़ा की पुरानी गलियों में एक ज़माने में क्या होता था, सबको इतिहास बताए, रोज खून बहता था, रोज कत्ल होते थे, और इन्हीं गलियों में 17-18 साल के एक ही बाप के 4-5 भाइयों के लड़ाई झगड़े होते थे। दाऊद और उसके भाइयों को टसन दिखाने का बड़ा शौक था। रोज डंडे सोटे लठ की लड़ाई, सोड़े बोतल की लड़ाई, ट्यूबलाइट की लड़ाई, मुंबई की छोटी छोटी गलियों में लड़ाइयाँ करते करते इन भाइयों का एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में गुंडाई बढ़ गई। क्यों, क्या कारण था? और भी तो लड़के होंगे, वहाँ पठान लड़के भी तो थे, पास में ही हिंदू एरिया था, वहाँ भी कुछ दबंग लड़के थे। फिर ऐसी क्या बात थी कि दाऊद ब्रदर्स आगे निकल गए? दाऊद और उसके भाइयों के उदय में उसके बाप का क्या रोल था? कम छो मुजामा, अरे ममा, मैं गुज्जू भाई और रोज आपके लिए अपराध के अजीबोगरीब किस्से लेकर आता रहता हूँ। मुंबई अंडरवर्ल्ड पर भी हमने सैकड़ों वीडियोस बना रखे हैं, चैनल पर जाओ, पूरा प्लेलिस्ट मौजूद है। जिसकी भी कहानी सुनना चाहते हो सुनो फिल्मी अंदाज में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि पूरा रक्त चरित्र है। 1993 में मुंबई में हुए बम ब्लास्ट का धुआं जब मिटने लगा, तब एक ऐसा नाम सामने आया जिसे आज भी मुंबई में रहने वाला हर एक शख्स एक दानव, एक राक्षस के बराबर मानता है, दाऊद इब्राहिम काशकर। मुंबई क्राइम ब्रांच में हवलदार की नौकरी करने वाले इब्राहिम काशकर अपनी बीवी अमीना भी और 12 बच्चों को जैसे तैसे पाल रहे थे। उन 12 बच्चों में से एक आने वाले कुछ सालों में पूरे मुंबई को ताता थैया करवाने वाला था। इस पटकथा की पहली लाइन लिखी गई थी रत्नागिरी के एक छोटे से गांव में, जब 26 दिसंबर 1955 को हिंदुस्तान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल में से एक का जन्म इब्राहिम काशकर के घर में हुआ। दाऊद और उसके भाइयों ने अपना बचपन मध्य मुंबई के डोंगरी इलाके में बिताया। दाऊद ने अहमद सेलर हाई स्कूल में पढ़ाई लिखाई की शुरुआत तो की, लेकिन अमीर बनने की ललक ने स्कूल छुड़वा दिया और छोटी छोटी क्रिमिनल एक्टिविटीज में सेट करवा दिया। अब दाऊद और उसके भाइयों ने मोहल्ले में दादागिरी भी शुरू कर दी। आलम यह था कि दाऊद ब्रदर्स से आसपास के मोहल्ले या गली में लड़के पंगा नहीं लेते। इसका सबसे बड़ा कारण था इसके बाप का इनके सिर पर हाथ होना। दरअसल 60-70 के दशक में मुंबई पुलिस में इतनी बड़ी फोर्स नहीं हुआ करती थी। उस जमाने में पूरे मुंबई में 30-35 पुलिस स्टेशन हुआ करते थे, और ज़्यादातर वहीं पुलिस स्टेशन थे जो अंग्रेजों के ज़माने के बने थे। और मामा, सबसे बड़ी बात कि आज शायद मुंबई क्राइम ब्रांच में डीजी लेवल के अफसर काम करते होंगे, लेकिन उस ज़माने में मुंबई क्राइम ब्रांच में ACP लेवल का अफसर ही मुख्य हुआ करता था। यहीं से समझा जा सकता है कि 60-70 के दशक में मुंबई क्राइम ब्रांच की फोर्स कितनी छोटी हुआ करती थी। 100-125 से करीब अफसर और इन सब का बॉस ACP, और इतने छोटे क्राइम ब्रांच के चलते कॉन्स्टेबल भी ACP से जुड़ा हुआ होता था, और दाऊद के बापू इब्राहिम काशकर ACP तक से नज़दीक संबंध रखते थे। और ये बात कॉन्स्टेबल इब्राहिम काशकर के लड़कों के लिए गॉड गिफ्ट साबित हुई। कैसे तो सुनो मामा, दाऊद और उसके भाइयों का पूरा दिन एक ही काम होता था, अच्छे कपड़े पहनो, रोमियोगिरी करो, लड़ाई झगड़े करो, और रात को छोटी मोटी चोरियां करो। जब दाऊद ब्रदर्स किसी कांड के चलते पुलिस के हत्थे चढ़े, तो अपने बाप के क्राइम ब्रांच के होने और पुलिस अफसरों के साथ अच्छे रिश्तों के चलते उन्हें छोड़ दिया जाता। कभी कभी छोटी मोटी डांट फटकार के साथ वार्निंग देकर छोड़ देते, कभी जेल में नहीं डालते। और यही घटनाएं दाऊद और उसके भाइयों के हौसले बुलंद कर रही थी, क्योंकि अरेस्ट होने की बजाय जब ये लोग छूट जाते तो आसपास के मोहल्ले वालों में डर बैठ गया कि इनका तो पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती, अगर केस बेस करेंगे फिर भी ये लोग छूट जाएंगे और हमें और ज़्यादा परेशान करेंगे। बस यहीं से दाऊद ब्रदर्स और उसके गैंग को आगे बढ़ने का एक मोमेंटम मिल गया।
हाल ही में एक वेब सीरीज आने वाली है, बॉम्बे मेरी जान, जिसमें दाऊद की कहानी बताई गई है। भाई एक बात समझ लो, फिल्मी दुनिया वाले ना जब अंडरवर्ल्ड की कहानियाँ सुनाते हैं तो उसमें बहुत सारा मिक्स मसाला होता है, असली कहानी तो कहीं दिखती ही नहीं। ये बॉलीवुड वाले विलन को हीरो बना देते हैं, तो इस पर भरोसा मत करो। उस जमाने में मुंबई इंडिया का फाइनेंस कैपिटल के साथ साथ क्राइम कैपिटल भी बनता जा रहा था। 70 का दशक आधा खत्म हो चुका था। अफगानिस्तान से मुंबई तक का सफर तय कर करीम लाला ने डोंगरी, नागपाड़ा, भिंडी बाजार और मोहम्मद अली रोड जैसे इलाकों में अपनी पकड़ जमा ली थी। वहीं हाजी मस्तान स्मगलिंग में अपना हुनर आजमा कर स्मगलिंग किंग बन चुके थे। लेकिन इन सबसे पहले उस जमाने में मुंबई में एक बड़ा स्मगलर हुआ करता था, बासू दादा, अपने जमाने का बहुत ही अमीर स्मगलर। वह जमाना जब हाजी मस्तान के पास एम्बेसेंडर गाड़ी भी नहीं थी। उस जमाने में बासू दादा के बंगले के सामने मर्सिडीज जैसी लग्जरीज गाड़ियों का काफिला खड़ा रहता था। बासू दादा उस जमाने के मुंबई के सबसे अमीर इलाका अग्रीपाड़ा में रहता था, लेकिन क्राइम नेक्सस चलाता था नागपाड़ा डोंगरी में। और यहाँ के यंग लड़कों में बासू दादा का बड़ा क्रेज था, क्योंकि बासू दादा एक पहलवान भी था, तो दाऊद और उसके भाई बासू दादा का गैंग ज्वाइन करते हैं। अब इलाके के सबसे बड़े दादा का हाथ दाऊद ब्रदर्स पर पड़ते हैं। पूरे इलाके में इन लोगों का खौफ और बढ़ गया। इन दिनों में चुनाव आया, इलाके के मुस्लिम लीडर मौलाना बुखारी चुनाव लड़ते हैं और इस चुनाव में मौलाना बुखारी बासू दादा की मदद लेते हैं। बासू दादा दाऊद और गैंग के लड़कों को चुनाव प्रचार करने काम पर लगा देते हैं। यहीं से चुनाव प्रचार के दौरान दाऊद और उसके भाइयों का रिश्ता मौलाना बुखारी से हो गया। अब एक बड़े डॉन बासू दादा और एक बड़े पॉलिटिकल लीडर मौलाना दोनों का हाथ दाऊद पर पड़ा तो दाऊद के हौसले बुलंद हो गए। यहीं से लोग तो लोग, इलाके के छोटे बड़े डॉन गैंगस्टर भी दाऊद ब्रदर्स से टकराने से 100 बार सोचते। और यहीं से असल मायनों में दाऊद का उदय शुरू हो गया। पॉलिटिकल कनेक्शन, बड़े बड़े स्मगलरों का कनेक्शन, अब इलाके में नाम गूंजने लगा। जो लोग सूंघते नहीं थे वे अब भाई के घर बुलाने लगे। 6-7 साल पहले जो बच्चे थे 80-81 आते आते वह भाई बन चुके थे। अब एंट्री होती है क्राइम ब्रांच के ACP रणबीर लेखा की। रणबीर लेखा का काम करने का तरीका डिफरेंट था, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ठीक वैसा। रणबीर लेखा मुंबई के बड़े बड़े गैंग्स के साथ पहले संबंध बनाते, उनका दिल जीतते, फिर उन दोनों गैंग्स के बीच आपस में लड़ाई झगड़े करवाते। गैंग वॉर होते, एक गैंग जेल में जाता है, खत्म हो जाता, इससे उनका काम भी हो जाता और रणबीर लेखा का हाथ साफ रहता। यहीं से दाऊद ब्रदर्स और पठान गैंग के बीच तकरार होनी शुरू हो गई। पठान गैंग जेल जाने लगा, यहाँ दाऊद गैंग जमानत पर बाहर आने लगा और इन्हीं लड़ाई झगड़ों में कहीं केस बन गए। अब केस बढ़े तो दाऊद गैंग का खौफ भी पड़ा और दाऊद गैंग को ये पसंद आया, इसे और भी खौफ फैलाना था। इसी चक्कर में दाऊद गैंग ने एक बैंक लूट लिया, लेकिन पकड़े गए, केस स्ट्रांग था, जेल जाना पड़ा। इसी बैंक लूट के चलते इब्राहिम कास्कर की पुलिस थाने में किरकिरी होने लगी। बाप अब बदनामी का सामना करने लगा। तब जाके दाऊद के बाप इब्राहिम कास्कर को एहसास हुआ कि लड़कों को पहले ही रोक लेना चाहिए था। तब दाऊद के बाप ने अपने बेटों को खून खराबे से दूर रखने के लिए हाजी मस्तान के पास काम पर लगा दिया। हाजी मस्तान से कहा कि जो मर्जी काम सिखाओ, बस लड़ाई झगड़े से दूर रहने चाहिए। ए रे मामा, ये वो दौर था जब हाजी मस्तान सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा स्मगलर बन चुका था। देश के आधे से ज़्यादा राज्य में मस्तान का भेजा हुआ सोना चांदी बिकता था। सैकड़ों लोग हाजी मस्तान के साथ काम करते थे और अब दाऊद और उसके भाइयों हाजी मस्तान के साथ काम करने लगे। इसी दौरान बासू दादा और खाली पहलवान के बीच झगड़ा हो गया और दोनों ने अपना स्मगलिंग का धंधा अलग कर लिया। यहाँ दाऊद और उसके भाइयों ने बासू दादा से किनारा कर खालिद पहलवान का दामन पकड़ लिया, क्योंकि इन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए था जो इनकी रक्षा कर सके। और खालिद पहलवान तो पहले ही दबंग था और पहलवान भी दबदबा भी था। इसी दौरान जब पूरे हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगी तो हाजी मस्तान ने जयप्रकाश नारायण के कहने पर स्मगलिंग का धंधा छोड़ दिया। अब समंदर का बादशाह ही ना रहा तो समंदर से हो रही स्मगलिंग का पूरा फील्ड खाली था। 1978 की बात है, मुंबई बंदरगाह पर खाली पड़े स्मगलिंग के धंधे पर खालिद पहलवान और दाऊद ब्रदर्स ने कब्जा कर लिया। लेकिन अब होना था मुंबई का सबसे पहला रिकॉर्डेड गैंग वॉर। दरअसल बासू दादा ने रोज दाऊद के बाप का किसी बात को लेकर अपमान कर दिया। बदले की आग में जल रहा दाऊद, उसका भाई साबिर अपने खास लड़कों के साथ हाथ में सोडा बोतल लेकर बासू दादा को पीट पीट कर मौत का घाट उतार दिया। इस घटना से दाऊद ने एक तीर से 2 निशान लगाए। एक तो बाप का बदला भी पूरा हो गया, दूसरा ये कि बासू दादा की मौत से खालिद पहलवान को सुकून मिला। और ये काम दाऊद ने किया तो अब खालिद पहलवान मरते दम तक दाऊद ब्रदर्स का एहसान मंद रहेगा।
जो आने वाले कई चुनौतियों में दाऊद की सबसे बड़ी ढाल बनेगा। खालिद पहलवान दाऊद की क्रिमिनल एक्टिविटी के बंद किले का सबसे भारी और बंद दरवाजा था, जिसे तोड़कर दाऊद तक पहुंचना यानी मौत को न्योता देने के बराबर था। अब अपने बड़े भाई साबित कासकर और खालिद पहलवान को साथ लेकर दाऊद ने मुंबई के आज तक के सबसे इविल और इनलीगल बिजनेस की शुरुआत की। द बी कंपनी गोल्ड स्मगलिंग एक्सटोर्शन ड्रग ट्रैफिकिंग के साथ शुरू हुई डी कंपनी आने वाले 20 सालों में इंटरनेशनली दहशत फैलाकर इंडिया के सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक से जुड़ने वाली थी। 1980 में डी कंपनी पठान गैंग के सामने सबसे बड़ी रुकावट बनी खड़ी थी। अब पठान गैंग को ये बात समझ आ गई थी कि मुंबई को अपने हाथों से निकलने नहीं देना है तो सबसे पहले दाऊद और उसके भाइयों को ठोकना होगा। और तब मुंबई अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी लाश गिरती है, दाऊद के भाई साबिर इब्राहिम की। 12 फरवरी 1981 सिद्धि विनायक मंदिर के सामने पेट्रोल पंप पर 5 गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई थी। ये कोई मामूली आवाज़ नहीं थी, बल्कि आने वाले खून खराबे से भरे गैंग वॉर के बारे में मुंबई अंडरवर्ल्ड को एक वार्न करने का सायरन था। तो कैसे दाऊद का भाई साबिर इब्राहिम मारा गया, किसने मारा, क्यों मारा, क्या मानिया सुरवेज मर्डर में शामिल था या नहीं, ये देखना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखें। बाकी ये बताओ दाऊद के आपराधिक जीवन के उदय की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।